बिहार झारखंड में हूँ सूरज कुमार और आप देख रहे हैं टाइम फैक्ट न्यूज। भारतीय मानवाधिकार एसोसिएशन के द्वारा रांची का बजरा में वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया गया, तो ये देखिए पूरी खबर हमारे संवाददाता अनीश मिश्रा जी के साथ। आपको मैं स्पष्ट करा दूं कि इस कार्यक्रम को सफल बनाने में भारतीय मानवाधिकार एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेश पांडे एवं उनके सहयोगियों और स्थानीय लोगों का भरपूर सराहनीय योगदान रहा है। हमारा लक्ष्य था कि हर व्यक्ति एक वृक्ष कम से कम लगाता है तो 70,000 वृक्ष लग जाते हैं, और जिसके तहत हम लोग लगभग 2 महीने से ये कार्यक्रम चलाए हुए हैं और 5,000 से ऊपर वृक्ष हम लोग रांची जिले में ही लगा चुके हैं। हम लोग सभी भारतीय मानवाधिकार एसोसिएशन संबंधित हैं रांची जिला से, और सड़क किनारे या मोहल्ले में किसी मोहल्ले में यदि पेड़ लगाई जाती है तो वहाँ के लोग उसको उखाड़ लेते हैं। इसके लिए सबसे जरूरी है कि वहाँ के स्थानीय नागरिक जो हैं उनके बीच एक जागरूकता अभियान चलाया जाए और उनको यह बताया जाए कि यह पेड़ जो है आगे भविष्य के लिए बहुत जरूरी है। सुनने में आया है वृक्षारोपण वगैरह अक्सर होते रहता है, लेकिन क्या होता है ये पेड़ बड़ा क्यों नहीं हो रहा है? एक तो मानसिकता है कि सड़क के बगल के पेड़ को लोग उखाड़ कर अपने घर में लगाते हैं, पीछे आइए, इसलिए सड़क के किनारे की अधिकांश जो वनस्पतियां हैं वो बर्बाद हो जाती है। मैं जब पूर्णिया में सर्किल अफसर था उस समय मैंने 400 पेड़ लगवाए थे और उसका हश्र ही हुआ था कि स्थानीय लोगों ने सब उखाड़ करके अपने बागान में। आज क्या कार्यक्रम कर रहे हैं यहाँ पे आप लोग? आज हम लोग यहाँ पे वृक्षारोपण का कार्यक्रम कर रहे हैं, और वृक्षारोपण बहुत जरूरी चीज है आज के समय के लिए। जैसा कि पानी का कमी और ये चल रहा हुआ है, उसमें हम लोग वृक्षारोपण के माध्यम से लोगों में एक जागरूकता फैला रहे हैं कि लोग वृक्ष लगाएं और वृक्ष की सेवा करने के लिए। यहाँ के स्थानीय लोगों से भी हम लोगों ने आग्रह किया हुआ है कि आप लोग वृक्ष को, जो हम लोग पेड़ लगा रहे हैं, काफी मेहनत होती है इसमें। नगर निगम के लोग ये तमाम गैवियन लगाए हुए हैं, इन गैवियंस में हम लोग एक एक पेड़ लगा रहे हैं, और स्थानीय लोगों से रिक्वेस्ट किए हैं कि इसका संरक्षण करें। पेड़ लगा देना उचित नहीं है, बस उसको संरक्षण भी देना है। एक वृक्ष 100 पुत्रों के समान होता है, तो लोग एक बच्चे को पालने में काफी टाइम लगाते हैं, उसी तरह से एक वृक्ष को पालेंगे तो आगे का भविष्य जो होगा उन बच्चों के लिए जिनको हम पाल रहे हैं, उनके लिए आगे पानी और नेचर में ये सब चीजें जो होंगी वो सुरक्षित रहेंगी।